जैसलमेर के रामदेवरा में रविवार दोपहर 1 बजे के बाद तेज बारिश के साथ ओले गिरे। नागौर में इतना तेज तूफान आया कि मोबाइल टावर 6 सेकंड में गिर गया। तूफान के कारण पुष्कर की सावित्री माता मंदिर के रोपवे पर लोग फंस गए। भारी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका। वहीं डूंगरपुर में मकान गिरने से एक की मौत हो गई। जयपुर मौसम केंद्र के ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के अनुसार बीकानेर में करीब 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया। वहीं धौलपुर में करंट की चपेट में आने से 2 तेंदुओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़, बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जताई है। जालौर के भीनमाल में तेज आंधी के कारण स्वागत द्वार गिर गया। जालौर में मंदिर का स्वागत द्वार गिरा। जालौर जिले के भीनमाल उपखंड क्षेत्र के जेरन गाँव में चल रहे दूधेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान रविवार को तेज आंधी के कारण स्वागत द्वार गिर गया। तेज आंधी के कारण शाम को होने वाली भजन संध्या के पंडाल में भी नुकसान पहुंचा। भजन संध्या स्थगित कर दी गई। नागौर में मोबाइल टावर और पेड़ गिरा। नागौर में दिन में आए तूफान से खत्रीपुरा में मोबाइल टावर गिर गया। जिले में तेज बारिश हुई, आंधी भी चली। इस दौरान नागौर में 18 mm, मोंडवा में 5 mm और मेडता में 4 mm बारिश हुई। वहीं इलाके में जगह जगह पेड़ गिर गए, सड़कों पर पानी भर गया।